Welcome to me and my mom vlogs. Me and my mom vlogs. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मी एंड माय मम ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो पुराने मेरे फ्रेंड्स हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो न्यू फ्रेंड आ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स। और आज का व्लॉग आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और अगर टाइम हुआ करें तो प्लीज़ सभी ऑन किया कीजिए। एक दो सेकंड देखने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, और लाइक करने से भी कुछ नहीं जाएगा आपका, मगर हम लोग को काफ़ी अच्छा और सुकून मिलता है कि हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे ब्लॉग अच्छे लगे हैं, तभी हमारे फ्रेंड्स ने लाइक किया है, कमेंट किया है। और प्लीज़ हो सके तो फुल वॉच कीजिएगा, आधा देख के मत छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स आज का व्लॉग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा मसाला भून लेती हूँ, जीरा, धनिया और काली मिर्च। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें ये डालेंगे, ये है राई, साबुत धनिया, हींग और अजवाइन। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें कड़ी पत्ते। अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक और हरी मिर्च। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर पिसे हुए। अब इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी, और अच्छी तरह से हल्दी को भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं नमक, और उसके बाद हम डाल रहे हैं जो हमने अभी मसाला पीसा है, धनिया, काली मिर्च और जीरे का। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है फ्रेंड्स से। और अब हमने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, अमचूर पाउडर। तो ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी आलू बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं पूड़ी पराठे के साथ आप खाए, चाहे तो आप सूखा ऐसे ही खा लीजिए नींबू निचोड़ करके, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और अब ऐड कर देंगे हम इसमें मैगी। और लास्ट मैंने डाल दी है धनिया की पत्ती, तो इससे तो आलू में बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा स्वाद आता है फ्रेंड्स, अगर हम धनिया पत्ती डालते हैं लास्ट में। ऐसी सब्जी अगर हम बनाते हैं सूखी सब्जी और उसमें धनिया ना पड़े तो फिर बात ही क्या है। तो आई होप आपको देखने में अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी आलू की सब्जी कैसी लगी है। तो बस फिर चलते हैं अब नीचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सृष्टि ने आइसक्रीम जमाई है, और ये है तरबूज का फ्लेवर। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, जो अच्छी जमी हुई है। ये देखिए कैसी लग रही है आपको देखने में, बताइएगा जरूर फ्रेंड्स कमेंट में। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ तरबूज का शरबत, क्योंकि तरबूज बहुत ही बड़ा वाला इन्होंने ले लिया था, तो वो खाते खाते जी भर गया था, तो हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम जमा दें और शरबत वगैरह बना दें, इसी तरह ये खा के ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्सी के जार में तरबूज काट के डाल दिया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ चार चम्मच डालूँगी शरबत आज़म या रू अफ़ज़ा, कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें फ्लेवर के लिए। और एक चम्मच डाला है काला नमक, और अगर तरबूज मीठा हो तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये है फ्रेश मलाई, जिसको अभी मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी, और अगर तरबूज थोड़ा फीका हो तो चीनी डालिए, अगर मीठा है तो चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं, और झटपट से बन जाता है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी समर ड्रिंक। तो बस अब ये देखिए फ्रेंड्स, तरबूज का जूस हमने बना लिया है,
और जो मलाई रखी हुई थी उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसी से मैं ऊपर इसको डेकोरेट कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो फिर उसको खाने या पीने का मन करता है। और घर की रखी चीज़ें हैं, फ्रेश मलाई है, तरबूज है और ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा सा इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर किसी ने तरबूज का शरबत नहीं पिया है। और तरबूज बहुत बड़ा आ जाता है और खाते खाते जी उब जाए तो हम कुछ ना कुछ उसको बना करके आइसक्रीम भी जमा सकते हैं, तो इसी तरह खा के ख़त्म किया जाता है। फ्रेंड्स, तो आपको कैसा लग रहा है तरबूज का शरबत जूस, आप कमेंट में बताएँ। और अगला दिन है फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं सबसे पहले करेले काट के रख दूंगी क्योंकि करेले मैं ही खाती हूँ और एक एक किलो करेले ये लेके आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने करेले काट के और नमक लगा के रख दिया था, फिर मैं नहा कर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, तो आज मैं अपनी लगाने जा रही हूँ न्यू वाली नेल पेंट। तो मैंने पिंक कलर की ऑर्डर की थी, तो मतलब कल आ गई थी बट मैंने सोचा कि आज लगा लेती हूँ। तो जब भी मतलब नहा धो के आओ, कोई नई चीज़ अगर रखी होती तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने ये वाला कलर मंगवाया था, आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कुछ नया लगाओ तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने चली गई थी, तो काफ़ी ऊँचे मतलब फूल लगे हुए हैं। पहले ये नीचा था पेड़ तो आसानी से टूट जाते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी हाइट भी कम लगने लगी है, तो बहुत ऊंचे ऊंचे फूल लगे थे तो मैंने सोचा थोड़े से पूजा के लिए फूल तोड़ लेती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे लगे हैं, तो बस वही तोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं सोच रही थी कि आज मैं मार्केट चली जाती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी मार्केट जाने के लिए और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। फ्रेंड्स, तो देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं। तो मैं छत पर आ गई थी, थोड़ा मौसम अच्छा लगता है तो टहलते हुए अच्छा लगता है, तो फिर अचानक से बारिश गिरने लगी थी, तो तेज हो गई थी बूंदें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बाजार जाने वाले थे लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा तेज हो गई है बारिश। चलो फिर चलते हैं थोड़ी देर मार्केट, तो देखते हैं अगर मौसम ठीक हो जाता है तो हम लोग फिर से मार्केट जाने का प्लान बनाते हैं, वरना अभी तक तो हम लोग का प्लान कैंसिल है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। जब तक हम लोग जाएंगे और आएंगे तब तक हम लोग बहुत भीग जाएंगे और कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे। मैं ना अभी मैक्रोनी बना लेती हूँ क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप खाओगे? तो मैं पापा के लिए भी बना लेती हूँ। हाँ, आप उधर का दरवाजा खोल दो, उधर से हवा आएगी। और मैं चलती हूँ बनाने मैक्रोनी, तो बहुत टेस्टी सी बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रिश्ती ने बनाना स्टार्ट कर दिया है मैक्रोनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है धीमे धीमे, और सृष्टि ने मैक्रोनी भी बना ली है। अभी हम लोग चलेंगे नीचे क्योंकि चिंटू और शिवू के पापा नीचे ही हैं, तो हम लोग नीचे वाले रूम में जाके खाएंगे। उधर आंगन से भी ठंडी ठंडी ज़्यादा हवा आएगी, तो फिर सृष्टि मैक्रोनी ले आए, फिर हम लोग नीचे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं पर्दा कितनी ज़ोरों से हिल रहा है, हवा बहुत ही प्यारी चल रही है। बन गई? हाँ। देखें, वाओ, चलो नीचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी लाजवाब मैक्रोनी बनी हुई है। इधर चीकू के पापा सोए हुए हैं क्योंकि उनको फीवर आ रखा है, ये गेम खेल रहे हैं। ये मैक्रोनी रखी है, इसको खाओ। सृष्टि, हेलो बोलो। खा लो, ठंडी हो जाए। ठंडी लो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये सो के उठ गए हैं क्योंकि इन्हें बहुत ही तेज़ फीवर हो रहा था, तो मैंने उस टाइम नहीं जगाया था, मैक्रोनी खाने का इनका मन भी नहीं था। तब सृष्टि बना के लाएंगे बढ़िया सी चाय अदरक वाली और तुलसी वगैरह डाल करके।
तो बस अब थोड़ा सा ये उठ के बैठे हैं तो दाल मोट और चाय नाश्ता हम लोग कर रहे हैं शाम का। और ये देखिए फाकते ने बाथरूम में कितना बड़ा घोंसला बना लिया है। और काफ़ी टाइम बाद पहले मतलब हम बाथरूम बंद रखते थे, दरवाज़ा खुला था तो उसने बना लिया था। और यहाँ पे आया हुआ है ये नान खटाई बेचने वाला। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। फ्रेंड्स पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए इधर वोट मांगने के लिए कितनी भीड़ चल रही है, आज का इलेक्शन चल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है आए दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।